दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको गैदरिंग मेथड और कास्टिंग मेथड के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ देखिए, हम लोग अभी गैदरिंग मेथड कर रहे हैं। इस गैदरिंग मेथड में ट्रैक्टर को हमेशा राइट की तरफ टर्न किया जाता है और ट्रैक्टर को सेंटर से साइड की तरफ जाया जाता है, और जो ट्रैक्टर है इसका जो प्लाउ लगा हुआ है वो मिट्टी को राइट की तरफ पलटेगा, अंदर की तरफ पड़ेगा, मतलब मिट्टी को गैदर करेगा। ये देखिए, हम लोगों ने पहले से करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा आपको दिख रहा है, ये सारा फील्ड आपको दिख रहा है, ये गैदरिंग का है। अब हम लोग ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे गैदरिंग मेथड काम करता है। ये देखिए, ये प्लाउ मिट्टी को अंदर की तरफ पड़ जाएगा। सारा मिट्टी को गैदरिंग कर रहा है, ये कहलाता है हमारा गैदरिंग मेथड। ये देखिए, बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा, पूरा सिलाई एक सी दिख रही है और वो हमें दिख रहा है। ये देखिए सारा पूरा गैदरिंग मेथड। आगे ट्रैक्टर की तरफ दिखाइए, ट्रैक्टर अभी बार और पलटी होके आएगा। ये देखिए दोस्तों, गैदरिंग मेथड में ट्रैक्टर राइट को टर्न होकर वापस आ रहा है और मिट्टी को गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। बहुत अच्छी स्लाइस के साथ आ रहा है, देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा मेथड होता है कास्टिंग मेथड। कास्टिंग मेथड में हम लोग मिट्टी को बाहर की तरफ फैलाते हैं। जिन खेतों का प्लाट का एलिवेशन सेंटर से टॉप होता है उसमें हम लोग कास्टिंग मेथड करते हैं। कास्टिंग मेथड में ट्रैक्टर जब चलाया जाता है तो लेफ्ट की साइड टर्न किया जाता है आगे की तरफ साइड से। अब ये जब चलेगा तो ये मिट्टी पूरी बाहर की तरफ पलटेगा, ये वाली मिट्टी को उठा के इधर पलटेगा, और जब ट्रैक्टर रोटेट होके आएगा, पलट के आएगा, तो वो मिट्टी को बाहर की तरफ पलटेगा। अब हम लोग देखते हैं कास्टिंग मेथड चलाइए। ये देखिए, हम लोग थोड़ा सा अभी बना के रखा हुआ है कास्टिंग मेथड, और ये मिट्टी को इधर से इधर को फेंक रहे हैं। जब ट्रैक्टर वापस आएगा तो उधर की साइड मिट्टी को फेंक। ये देखिए, मिट्टी को अभी राइट को दे रहा है, और जब ट्रैक्टर वापस आएगा, आइए बताता हूँ मैं, जब ट्रैक्टर उधर से घूम के आएगा साइड वाली मिट्टी को बाहर की तरफ फेंकेगा, दोनों साइड इस तरह। ये कहलाता है हमारा कास्टिंग मेथड। अभी आ रहा है ट्रैक्टर, देखिए वापस लौट कर। देखिए दोस्तों, कास्टिंग मेथड में अंदर की मिट्टी को बाहर पटका जा रहा है। इसी मेथड में जब आगे चलता है ट्रैक्टर तो एक रो बनती है आखिरी में खाली रो बनती है इस तरह की, उसे कहा जाता है आपका डेड थरो। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।